नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। हम बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह और आचार्य प्रमोद कृष्णन की। आपको बता दें कि बीते दिनों जो है वो दिग्विजय सिंह ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद कहीं ना कहीं राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेसी नेता ये सोच रहे होंगे कि भारत जोड़ो यात्रा एक तरफ कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को बदलने का काम कर रही थी, और जम्मू कश्मीर में एक रैली के दौरान दिग्विजय सिंह ने जो कह दिया उससे एक बार फिर से नया और ताजा जो है विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, इस दावे को पुख्ता करने के लिए यानी कि ये बताने के लिए कि वाकई में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, बीजेपी ने अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया है। हालांकि उन्होंने अपनी सफाई में ये भी कहा कि हम सेना का सम्मान करते हैं, लेकिन जो बयान उन्होंने दे दिया उसके बाद विवाद काफी बड़ा हो गया था, और इसके बाद कहीं ना कहीं राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जवाब भी देना पड़ा। हालांकि वो तमाम सवालों का जवाब देते हुए कई बार फंसते हुए भी पत्रकारों के सवालों में नजर आए थे। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने फिलहाल पार्टी के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने ट्वीट करके ये पूछा है कि अगर दिग्विजय सिंह का बयान उनका व्यक्तिगत बयान था, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं, ऐसा कांग्रेस कह रही है, तो सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस का आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल बयान क्या है। ट्वीट करते हुए उन्होंने सवाल किया है और क्या कुछ कहते हुए वो नजर आए हैं वो भी आपको हम बता देते हैं। कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह के इस बयान पर पार्टी ने जिस तरीके से कहा कि निजी बयान है, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णन जो है एक बार फिर से पार्टी को मुश्किलों में डालते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया और कहा है कि अगर ये उनका निजी बयान है तो फिर कांग्रेस के हेडमास्टर को ये भी बताना चाहिए कि पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक पर पार्टी का अधिकृत बयान क्या है। अब बड़ा सवाल यही उठता है कि जो उन्होंने हेडमास्टर की संज्ञा दी, ये हेडमास्टर कौन है? जहां तक उम्मीद की जा रही है ये हेडमास्टर कहीं ना कहीं खड़गे हो सकते हैं, राहुल गांधी हो सकते हैं, तो जिसकी ओर भी उन्होंने इशारा किया होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि दिग्विजय सिंह जो भारत जोड़ो यात्रा के साथ सिर्फ चल रहे हैं बल्कि इस यात्रा को देख रेख जो करने की जिम्मेदारी है वो भी कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह की है, तो बड़े जो सवाल है वो लगातार खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस कहीं ना कहीं सवालों में घिरती हुई नजर आ रही है। अब कांग्रेस आचार्य प्रमोद कृष्णन के बयान का जवाब क्या देगी, क्योंकि यहां पर उन्होंने पार्टी से सवाल किया है और खुले तौर पर यह कहा है कि हेडमास्टर जो है उन्हें इसका जवाब देना चाहिए, तो क्या कांग्रेस को ये एक बार फिर से बैकफुट पर धकेलने का काम करेगा? कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जो 5 महीनों में अगर 4,000 किलोमीटर से ज्यादा की जो भारत जोड़ो यात्रा की, उसने कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संदेश दिया, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस के ही नेता उसी के लिए फजीहत खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं चुनाव से पहले। क्या एक बार फिर से ये कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए तो उसके लिए फायदेमंद साबित होगी, या फिर ये तमाम नेता पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में जाने का इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं और सोची समझी साजिश के तहत इस तरह के बयान आ रहे हैं? आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज, इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।